दमोह के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व विभाग में पदस्थ आरआई ललित वेद को सागर लोकायुक्त टीम ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ललित वेद जिला मुख्यालय के टोकी तिराह क्षेत्र से पीड़ित से पैसा ले रहे थे। मामले में पकड़े जाने के बाद लोकायुक्त की टीम आरआई ललित वेद को लेकर कोतवाली आई, जहां पर कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि आरआई द्वारा जमीन का नक्शा पास कराने के एवज में हरचरण सिंह सरदार से 3000 रुपए की मांग की गई थी और बाद में 2000 रुपए में डील तय हुई थी। हरचरण सिंह सरदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। अपने मकान का नक्शा पास करने के लिए तो इनने फील्ड में आके हमें 3000 रुपए मांगे थे और 2500 रुपए तक की मांग की थी, आखिरी में 2000 रुपए तय हो गए थे, जो आज हमने शासन के आदमी के सामने इनको 2000 रुपए दिए सरकारी आदमी के सामने। लोक सेवा गारंटी से इनको अपना प्रमाण पत्र लेना था, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट बाबू से मिलके अनापत्ति प्रमाण पत्र ले आया और मुझे फंसाने की तरीके से मुझे स्पॉट पे रोका, बोले तुमसे काम है और पैसे देने की पेशकश की। और लोक सेवा गारंटी में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन दिया था, तो वह आवेदन नजुल शाखा कलेक्ट्रेट में आया तो वहाँ पदस्थ आरआई ललित वेद ने इनसे नक्शा पास कराने के एवज में 3000 रुपये की मांग की और यह शिकायत की गई हमारे लोकायुक्त कार्यालय में, तो हमने इसका सत्यापन कराया, सत्यापन सही पाया गया। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज़।